वो सिकंदर ही दोस्त तो कहलाता है, हारी हुई बाजी को जीतना जिसे आता है। हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने, लिट्टन दास ने पाकिस्तान खिलाफ अद्भुत अविश्वसनीय अविस्मरणीय शतक ठोक डाला है। अभी वो नाबाद है, लेकिन शतक के ऊपर चर्चा जरूरी थी, इस वजह से हम यहाँ पर आए। 26 पे 6 बांग्लादेश के विकेट गिर चुके थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा आभास हो चला था कि चलिए भैया टी तक बांग्लादेश पूरी तरीके से समाप्त, पाकिस्तान इनको फॉलोअन भी दे सकती है और ये एक मुकाबले का हीरोइक था, दूसरे मुकाबले में नहीं चलने वाला था। पाकिस्तान टीम लगा कि पूरा होमवर्क करके आई है, खुर्रम शहजाद हो या फिर उनका जो अन्य साथी गेंदबाज हो, दोनों ने जबरदस्त गेंदबाजी की थी और कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाए थे बांग्लादेशी के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज। विकेट्स कॉलम पर नजर डालिए, मोनिमुल हक जो बांग्लादेश के वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैटर माने जाते हैं, मुशफिकुर रहीम जिसने पिछले मुकाबले में जबरदस्त पारी खेली थी, दोहरा शतक मारने से चूक गए थे, शाकिबुल हसन सबसे अनुभवी बल्लेबाज, कोई भी बड़ा कारनामा नहीं कर पाया और 26 पे 6 विकेट, एक दो नहीं 6 विकेट, तो आप अंदर से यही मानकर चल रहे थे, बांग्लादेशी क्रिकेट प्रशंसक यही सोचकर चल रहे थे कि लग रहा है चूक हो गई, लग रहा है दूसरा टेस्ट मुकाबला हम नहीं जीत पाएंगे, लग रहा है इतिहास नहीं रच पाएंगे, लग रहा है कि पाकिस्तान दूसरा मुकाबला जीत ले जाएगी और श्रृंखला को बराबरी कर देगी। लेकिन लिट्टन दास ने कहा कि जरा रुको, जरा ठहरो, जरा थमो, सिकंदर हूं मैं, हारी हुई बाजी को जीतना आता है। और वही काम उन्होंने किया जो काम मुशफिकुर रहीम के साथ उन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में किया था। आज तो उन्होंने पूरी तरीके से मोहरा थामा हुआ है, अभी नाबाद है, शतक ठोक डाला है 104 रन 172 गेंदों पर और आगे सिलसिला लेकर चल रहे हैं, कारवां बढ़ाते जा रहे हैं, लीड को कम करते जा रहे हैं। लिट्टन दास के शतक की जितनी प्रशंसा कर ली जाए उतनी कम है, क्योंकि दबाव की स्थिति में थी बांग्लादेश, बांग्लादेश टीम ढहती हुई नजर आ रही थी, ऐसा मानकर सब चल रहे थे कि चलिए सम्मान बचा लिया जाए, लेकिन सम्मान बचाते बचाते हल्ला बोल दिया है पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान अपना सम्मान बचाती हुई दिख रही है, अब पाकिस्तान सोच रही है कि मुकाबले में किसी तरह बना रहा जाए, अब पाकिस्तान सोच रही है कि किस तरीके से बांग्लादेश को जल्द से जल्द ऑल आउट किया जाए, अब पाकिस्तान सोच रही है कि बांग्लादेश लीड ना ले पाए, यानी कि जो दबाव वाला गेंद था बांग्लादेश के पाले में उसको फेंक डाला है किसने, लिट्टन दास ने पाकिस्तान के पाले में, कि भैया आप ही रखो उसको, दबाव हमारे पास मत आने दो। जबरदस्त पारी, बहुत ही अविश्वसनीय पारी, और ये जो 4 शतक ठोके आज, चौथा शतक लिट्टन दास का आया है, ये सबसे बेहतरीन पारी होगी, क्योंकि इतनी कठिन स्थिति से उन्होंने कभी बांग्लादेश को उबारा नहीं होगा, उन्होंने कभी बांग्लादेश को बचाया नहीं होगा, अब उन्होंने इस स्थिति, इस परिस्थिति में बांग्लादेश को लाकर रख दिया है कि बांग्लादेश यहां से टर्म्स डिक्टेट कर सकती है, बांग्लादेश पाकिस्तान को अपने हिसाब से चला सकती है, बांग्लादेश इतिहास रच सकती है, यानी कि डिटरमाइंड थे लिट्टन दास। हाँ, लिट्टन दास की हमने तारीफ की शतक ठोका, लेकिन उतनी ही तारीफ मेहदी हसन मिराज की भी यहाँ पे होनी चाहिए, जिन्होंने उनका बखूबी साथ दिया, जिन्होंने साझदारी की, जिन्होंने शतक की साझदारी की। जरूर शतक लगाने से मेहदी हसन मिराज चूक गए, लेकिन जो काम उनको करना था वो काम करके गए, जबरदस्त उनकी भी पारी रही, जबरदस्त शतक ठोका है यहाँ पर। आप अगर हम बात करें मेहदी हसन मिराज की, तो 78 रन खेल बनाए 124 गेंदों पर और बखूबी साथ निभाए। तो ये जो हम अगर बात करें साझदारी रही यहाँ पर 165 रनों की लिट्टन दास और मेहदी हसन मिराज के बीच, उसने सम्मान बचाया है, उसने हल्ला बोल दिया है पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान टीम थोड़ी सी दबाव में आ चुकी है, पाकिस्तान टीम अब महसूस कर रही है कि नहीं, बांग्लादेश बड़ी टीम बन चुकी है, बांग्लादेश कड़ी चुनौती उनको देती हुई दिख रही है, बांग्लादेश को हराना आसान नहीं। जो बदलाव किए थे वो बदलाव भी उतना काम नहीं करता हुआ दिख रहा है, और ना ही कुछ समझ में आ रहा है बांग्लादेश को, पाकिस्तान टीम को, कि कैसे आगे बढ़ा जाए कैसे नहीं बढ़ा जाए। खुर्रम शहजाद ने जरूर 6 विकेट निकाले हैं, मीर हमजा ने 2 विकेट, लेकिन जो ये अबरार अहमद हों जिनको लाया गया वो कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाए, लेकिन खुर्रम शहजाद ने एक वक्त ऐसी परिस्थिति लाकर रख दी थी कि जहां से पाकिस्तान इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर सकता था, लेकिन लिट्टन दास ने साहसिक शतक ठोका है, अभी वो नाबाद है। अगर वीडियो खत्म होने तक अगर हम बात करें स्कोर कार्ड का, तो 114 रन लिट्टन दास बनाकर खेल रहे हैं, उनका हसन महमूद साथ दे रहे हैं, बांग्लादेश टीम 227 रन बना चुकी है 8 विकेटों के नुकसान पे,
47 रनों से पीछे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि लिटन दास का ये शतक सफल होता है नहीं होता है, लिटन दास अपने कारवां को कितना आगे बढ़ाकर चलते हैं, लिटन दास इस शतक की पारी को यादगार बना पाते हैं या नहीं बना पाते, क्योंकि जीत का अलग ही स्वाद होता है। वो भी श्रृंखला अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ जीत जाएंगे तो इस शतक का वर्चस्व बढ़ जाएगा, इस शतक की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये सब चीजें अभी लिटन दास को देखना है, अपने पारी को आगे बढ़ाना है, यहां से लीड लेना है। अगर ऐसा करने में बांग्लादेश टीम सफल रह जाती है तो फिर उनके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लिटन दास की साहसिक पारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।